हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, एक्सरसाइज 9.2 का। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे हैं हम। हमने डिफरेंशिएशन आपको कंप्लीट करवा दिया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही आप इंटीग्रेशन देखें। आप कंटिन्यू क्लास को लेते रहें, स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें। देखें, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अगर आपके पास इस प्रकार की फॉर्म आती है तो आपने क्या करना है, देखो मैं एक जर्नल फॉर्म आपको बता देता हूं। जैसे dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इस प्रकार की मान लो आपके पास फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्म को यहां पे a को आपने मान लेना है r कोस अल्फा और b को क्या मान लेना है r साइन अल्फा। ये करने के बाद इसको फर्स्ट नाम दे देना है, इसको सेकंड। क्लियर भाई? फिर आपने इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जोड़ दिए स्क्वेयर करके, और इधर करेंगे तो r स्क्वेयर को स्क्वेयर अल्फा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। यहां से आर स्क्वेयर क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहां को स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा रह गया, ये क्या होगा 1 हो जाएगा भाई। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। यहां से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर आ गया। आर की वैल्यू की बात कर लें तो आर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आर की वैल्यू आ गई भाई। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये r की वैल्यू कहाँ यूज में लेनी है देखो हम बताएंगे आपको। अगर हम बात कर लें, यहाँ ये r आ गया, फिर आपने एक काम और कर लेना है, ये जो फर्स्ट और सेकंड बना है आपने सेकंड को डिवाइड कर लेना है फर्स्ट से। क्लियर? तो सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो सेकंड में क्या लिखा है भाई आर साइन एल्फा, और फर्स्ट में क्या लिखा है अपोन में आर कोस अल्फा, ठीक है, डिवाइड कर दिया ना हमने, और इधर वाले भी कर दे आर साइन अल्फा के साथ, क्या था बी और अपॉन ए। यहां आर से आर कैंसिल हो गया, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी बी बाई ए, तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा भाई। फिर हमने ये वैल्यू जो है आगे चल के यूज में कर लेनी है, कैसे, ये जो डीएक्स दिया है इंटीग्रेशन में, डीएक्स अपॉन आपने a को क्या पुट किया है r cos अल्फा, तो r cos अल्फा लिखिए, a की जगह लिखा है हमने, और sin x यहां पे एज इट इज है, प्लस b को क्या लिखें r sin अल्फा और cos x यहां पे है। अब यहां देखें तो इसमें से r जो है कॉमन आ रहा है भाई, r क्या है कॉमन नजर आ रहा है, ये r हम कॉमन ले लेंगे यहां, तो ये बाहर लिख लिया। अब यहां देखें तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। और ये सारा प्रोसीजर करने का टारगेट भी अपना यही है कि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे इनको आपको एक ही फंक्शन में बनाना है, चाहे साइन में बना लें चाहे कोस में बना लें, वो आपकी मर्जी होगी। आप यहाँ साइन बनाते हैं पूरा नीचे साइन बन जाता है, जैसे अब इसमें क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि साइन बन जाएगा, ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाएगा, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन अपने को पता है, ठीक है, वो हम लिख देंगे। क्लियर भाई? ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का शायद आपके एग्जाम्पल में भी है, आप उसको देख लेंगे। अब यहाँ आगे क्या करना है, इसको ये साइन अल्फा प्लस एक्स लिख लेते और फिर ऊपर लेके जाते कोसिकेंट अल्फा प्लस एक्स, और कोसिकेंट अल्फा प्लस एक्स का हमें पता है लॉग ऑफ कोसिकेंट अल्फा प्लस एक्स माइनस कोट अल्फा प्लस एक्स प्लस सी, और अल्फा को आप अल्फा को रिप्लेस कर देते टेन इनवर्स बी बाई ए से, और जो ये आर चल रहा है इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है भाई। आर को क्या लिख देना है आपने, ये जो आर चल रहा है इसको वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, और अल्फा जो यहाँ पे चल रहा है उसको फाइनली लास्ट में लिख देना टेन इनवर्स बी बाई ए, क्योंकि हमने ये वैल्यूज इनकी निकाल रखी। देखो ये जो मैंने बता दिया है, अब आपको जितने भी क्वेश्चन हम इस टाइप के करने वाले हैं वो आपको क्लियरली समझ आएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको 14 जो आपका क्वेश्चन था उसमें भी करवाया है,
वहां पे हमने क्या किया था, रूट वन बाई रूट टू से मल्टीप्लाई और वन बाई रूट टू से डिवाइड किया था डायरेक्ट, ठीक है, वन बाई रूट टू से मल्टीप्लाई और वन बाई रूट टू से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे अगर आप इस प्रोसीजर से चलेंगे तो इस प्रोसीजर से हम आपको बता देते हैं, देखो वही रूट टू आने वाला है। कैसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो वन लिखा है भाई, यहाँ भी कुछ भी नहीं तो वन लिखा है ना, तो आप क्या कर लेंगे, वन को लेट कर लेंगे, वन क्या है आर कोस अल्फा, आर कोस अल्फा, इसको इक्वेशन एक नाम दे दें, और ये जो वन है दूसरे वाला इसको मैं लिख देता हूं आर साइन अल्फा, ये इक्वेशन टू हो गई। अब क्या कर दें, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का क्या कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो इधर करें तो क्या हो जाएगा, वन स्क्वेयर एंड एडिंग, ये कर दिया भाई, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर और ये ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे इसका स्क्वेयर स्क्वेयरिंग, इसका भी स्क्वेयर होगा, इसका भी स्क्वेयर होगा, एंड एडिंग आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, राइट राइट के स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट के कर दिए, यहां से देखें तो वन का स्क्वेयर वन, वन और वन टू हो गया, इधर से आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा रह गया, ये क्या होता है वन, तो यहां से टू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ गई, रूट टू, आर कितना आ गया अपना रूट टू, क्लियर भाई। देखो यही प्रोसीजर हमने यहां किया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी, यहां वन की जगह ए लिखा था और इस वन की जगह भी ए ही लिखा था, सॉरी बी लिखा है ना, इसको अगर इससे कंपेयर करें आप तो इस वन की जगह ए लिखा है और इस वन की जगह बी लिखा है, वही काम हम कर रहे हैं, यहां तक सेम कर लिया। फिर आपने क्या करना है, टू को डिवाइड करना है वन से, टू को डिवाइड कर लें वन से, तो आप डिवाइड करेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो आर साइन एल्फा अपॉन आर कोस एल्फा इज इक्वल टू वन बाई वन, ठीक है, यहां पे आर से आर कट गया, टेन एल्फा इज इक्वल टू वन, तो यहां अगर मैं बात कर लूं तो इसको लिख सकता हूं टेन एल्फा इज इक्वल टू वन कब होता है, टेन पाई बाई फोर पे, 45 डिग्री पे, वन को आप रिप्लेस कर सकते हैं टेन पाई बाई फोर से, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, तो एल्फा कितना आ गया आपका पाई बाई फोर आ गया भाई, अल्फा निकाल लिया आपने, आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है, हमने आपको बताया कि जो आपने अब ये लिखे थे आर वन को आर कोस अल्फा, इस वन को आर साइन अल्फा, इनको यहाँ वापिस रखेंगे, जैसे मैंने इसमें ये जो ए और बी था हमने जो लेट किए थे आर कोस अल्फा आर साइन अल्फा, वो यहाँ रखे गए हैं, है ना, यही काम हम करने वाले हैं। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था जनरल टर्म में कि कैसे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, वैसे ये क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम्पल में, इसे आगे हम करेंगे, ये आप यहाँ तक नोट कर लेंगे पहले। अब देखें भाई इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पे बता देते हैं हम आपको, इसके बाद कर लेना है आपने, यहाँ हमने अब वापिस यहाँ पे लौटना है आई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद वापिस लौटना है इंटीग्रेशन पे, यहाँ क्या है वन अपॉन, अब ये जो वन लिखा था उसको मैंने आर कोस अल्फा लिखा है तो आर कोस अल्फा लिख दें यहाँ, ठीक है, साइन एक्स यहाँ ऑलरेडी है, फिर प्लस इस वन को क्या लिखा है मैंने आर साइन अल्फा, तो आर साइन अल्फा लिख दें, और यहाँ पे अपना कोस एक्स यहाँ है भाई, क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो देखो आर इसमें भी और इसमें भी कॉमन नजर आ रहा है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, नीचे है तो वन बाई आर लिखा जाएगा, आर नीचे से कॉमन आ रहा है ना, वन और डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये होना है, यहाँ पे देखें तो वन अपॉन भाई आर कॉमन आ चुका, अब इसको ये और ये बच गए ना, इसको हम अगर लिखें तो मान लो मैं साइन को आगे लिख लूँ साइन एक्स और कोस अल्फा को पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, कोस को पहले लिख लूँ इसको बाद में लिख लूँ, देखो अगर ए का काम ये कर रहा है बी का काम ये कर रहा है, तो आगे भी ए और बी का काम अगर यही करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, यहाँ पे देखिए साइन ए ए कोस बी प्लस कोस ए, ए का काम देखो ए का काम एक्स ही कर रहा है ना, तो कोस ए एक्स, साइन बी बी का काम अल्फा कर रहा है, तो ये डेफिनेटली किसका फॉर्मूला बन गया, इसको समेट के लिख सकते हैं साइन ए प्लस
बी का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, वन अपॉन इसको मैं वन अपॉन साइन ए प्लस बी, ए का काम एक्स कर रहा है, बी का अल्फा डी एक्स। अब इसको मैं आर की वैल्यू लिख देता हूं भैया, ना आर क्या है अपना रूट टू, आर क्या है रूट टू हमने निकाल के रख रखा है, और इसको करें तो ये ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस एल्फा, कोसेक बोल दें या कोसिकेंट बोल दें भैया की बात है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, वन बाई रूट टू ये बाहर है और ये क्या होगा लॉग ऑफ मोड कोसिकेंट एक्स, एक्स यानी कि एक्स प्लस एल्फा माइनस कोट एक्स, एक्स यानी कि एक्स प्लस एल्फा प्लस सी। अब यहां बात करें अल्फा की तो अल्फा की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है, अल्फा क्या निकाला है आपने पाई बाई फोर, तो ये भी रख दें आप अल्फा की वैल्यू, हमने आपको बताया था कि आपने आर और अल्फा की वैल्यू रख देनी है, कोसिकेंट ऑफ यहाँ पे एक्स प्लस ये पाई बाई फोर लिखेंगे माइनस कोट ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर लिखेंगे प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, या आप नोट कर लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत ये, ठीक है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी मेहनत को देख के, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं, हम एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे इसी तरह करवा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है हमने सीकेंट एक्स डी एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स को, तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट रूप में दिया है, अपने को क्वेश्चन पहचानना है तो हम क्या कर लेंगे इसको साइन और कोस की टर्म में लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे साइन और कोस में अगर इसको बनाएं तो आई इज इक्वल टू सीकेंट को वन अपॉन कोस लिख सकते हैं भाई, वन अपॉन कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी और टेन को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख लें डी एक्स, क्लियर, यहाँ कुछ भी नहीं तो वन है भाई, कोस एक्स एलसीएम ले ले आप, यहाँ वन अपॉन कोस एक्स चल रहा है और इस सारे के अपॉन में ये इसका एलसीएम कोस एक्स आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए इंटू कोस एक्स आ जाएगा और प्लस बी इंटू साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स, इस कोस एक्स से ये कोस एक्स कट जाएगा, यानी अपना क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स आ गया भाई, ये हमने जनरल टर्म में बताया आपको। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये वही फॉर्म आ गई है, तो a को आपने पुट करना है a को r cos अल्फा और b को इसको फर्स्ट मान लें और b को r sin अल्फा, sin अल्फा ठीक है, ये सेकेंड मान लिया। अब यहां पे अपना टारगेट क्या है कि इसको a की टर्म में बनाना, sin में या cos में जिसमें भी बने, अब दोनों ये cos a cos b प्लस sin a sin b होगा तो cos का फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस b का, अगर साइन का यहाँ आता है साइन कोस और साइन आता है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी में से, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने कर लिया, अब अगला काम क्या है, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है, क्या करना है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे यहां से तो क्या आने वाला है भाई, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, यहां से देखें तो आर स्क्वेयर कॉमन ले लें आप तो ये कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा बच गया, ये क्या होता है वन, ये क्या होता है वन, यानी कि अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो अगर बात की जाए तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है, या मैं इधर से लिख लेता हूं आर स्क्वेयर, ये तो वन हो गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और आर की वैल्यू की बात कर लें तो वो आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्लियर भाई। अब आपने क्या करना है इससे आगे काम, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है, सेकंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट से, सेकंड क्या है आर साइन अल्फा और फर्स्ट क्या है आर कोस अल्फा, यहां क्या है भाई आर साइन अल्फा का बी है और यहां ए है, आर साइन अल्फा लिखा है पहले तो इसका बी लिखें लेफ्ट लेफ्ट को राइट राइट को, है ना हमने कर दिया है डिवाइड। अब
यहां पे आर से आर कट गया, ये टेन अल्फा बन गया आपका, इज इक्वल टू बी बाई ए। तो अल्फा की अगर हम बात कर लें यहां से, तो अल्फा क्या आ गया, टेन इनवर्स बी बाई ए आ गया। क्या आ गया, टेन इनवर्स बी बाई ए। ये हमें चाहिएगा भाई, आर की वैल्यू भी चाहिएगी, बॉक्स में बंद कर लो, और अल्फा की वैल्यू भी चाहिएगी। अब वापिस इंटीग्रेशन पे यहां आए आप, यहां पे, यहां पे, ठीक है, यहां नहीं, यहां आए, क्योंकि आपने यहां से पुट किया था ना, तो यहां पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए को क्या रखा है आपने, R cos alpha, R cos alpha रख दिया एक ही जगह, cos x यहां ऑलरेडी है, cos x प्लस B को रखना है भाई, B को क्या रखा है आपने, R sin alpha, R sin alpha और sin x यहां है, क्लियर भाई। अगले स्टेप में क्या करें, आर इसमें और इसमें कॉमन है, तो आर को कॉमन ले ले, नीचे से है तो वन बाई आर आएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहां पे देखो क्या बन गया, कोस एक्स कोस अल्फा, आगे पीछे लिख ले की बात है, और प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। यहां देखें तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का। अगर प्लस में आता है तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा भाई, उल्टा होता है कोस में। वन बाई आर, आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, रख दें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां अगर हम बात करें तो ये डी एक्स अपॉन फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का, यानी कि एक्स माइनस अल्फा का, ठीक है। इसको ऊपर लेके आए तो क्या लिखेंगे, सीकेंट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या बन गया, सीकेंट ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, क्लियर भाई। अब इसको लिखना है तो फॉर्मूला पता है अपने को, अब मैं इसको लिख देता हूं, देखें आपने ये, मैं यहां लिख देता हूं भाई, आपने इसके बाद में ये काम कर लेना है। यहां पे अगर हम बात करें तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, लॉग ऑफ सीकेंट, सीकेंट एक्स है ना, ये एक्स की तरह काम कर रहा है पूरा, तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, सीकेंट एक्स, एक्स मतलब सीकेंट एक्स, एक्स का मतलब एक्स माइनस अल्फा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स मतलब अल्फा, और ये मोड यहां बंद कर दें, प्लस सी लिखें। अब आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू दे देनी है, हमने निकाल रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लॉग ऑफ यहां पे सीकेंट एक्स माइनस अल्फा, और अल्फा आपने क्या निकाल रखा है, टेन इनवर्स बी बाई ए, यहां क्या लिख दें, टेन इनवर्स बी बाई ए लिख दें भाई, प्लस टेन एक्स माइनस अल्फा, अल्फा यानी टेन इनवर्स बी बाई ए, बंद करें मोड को, प्लस सी लिखें, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखें भाई आपने पहले साइन कोस में बना लेना है, यहां तक करने के बाद आपने यहां से करना है, देखो ये लाइन लगा रखी है मैंने, इससे उधर नहीं जाना है फिलहाल, ये नोट कर लेंगे यहां से नीचे तक, और इसके बाद मैंने ये यहां लिखा है भाई, ठीक है। यहां केवल क्या किया गया है, सीकेंट एक्स माइनस एल्फा का इंटीग्रेशन लिखा गया है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स माइनस एल्फा प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस एल्फा प्लस सी, और एल्फा क्या निकाला था हमने, ये निकाला था, ये वैल्यू हमने दी है और कुछ नहीं किया, यही होगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखे भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन करना है आपने को वन अपॉन साइन एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स डी एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वही फॉर्म है, यहाँ कुछ भी नहीं तो वन लिखा है, इंटू साइन एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स, तो आपने क्या करना है, वन को आर कोस एल्फा, और इसको फर्स्ट इक्वेशन, और रूट थ्री को आर साइन एल्फा पुट कर दिया भाई। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें, क्या करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को करो, तो यहां से क्या बन जाएगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग रूट थ्री का स्क्वेयर और एडिंग कर दिया,
इधर से करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से तीन और एक चार फोर आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, ये वन हो गया भाई, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आ गया तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, आर की वैल्यू कितनी आ गई टू आर आ गया। अब आपने क्या करना है सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो करो भाई आर साइन अल्फा है यहां और इधर क्या है सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड यानी आर कोस अल्फा से इज इक्वल टू आर साइन अल्फा यानी रूट थ्री को आर कोस अल्फा लिखा है ना तो इसका क्या है वन, ये इससे डिवाइड करें आर से आर कट गया ये टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री, तो रूट थ्री कब होता है टेन, टेन होता है पाई बाई थ्री पे 60 डिग्री पे, देखें टेन 60 जो है वो साइन 60 अपॉन कोस 60, साइन 60 पे कितनी वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू है ना और वो वन बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा रूट थ्री आ जाएगा यानी कि टेन पाई बाई थ्री पे, पाई का मतलब 180, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई की जगह सिंपली 180 लिख लें, थ्री से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री पे आ जाएगा। यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, इसका मतलब यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपकी पाई बाई थ्री, कितनी आ गई पाई बाई थ्री, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री तो अल्फा कितना आ गया पाई बाई थ्री, क्लियर। अब आगे देखते हैं इसको, देखो अब हमने क्या करना है वापिस यहां आना है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद ही करना है भाई, अच्छे क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखें तो वन अपॉन हमने क्या करना है वन, वन को क्या लिखा है मैंने आर कोस अल्फा और साइन एक्स यहां ऑलरेडी है प्लस और रूट थ्री को क्या लिखा है आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा लिख दें और यहां पे क्या है कोस एक्स है ना इंटू डी एक्स, यहां अगर हम बात कर लें तो वन बाई आर, ये आर कॉमन नजर आ रहा है, यहां क्या है डी एक्स अपॉन क्या बच गया साइन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो साइन ए, ए का काम ये कर दे बी का ये कर दे तो आगे भी यही करना चाहिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, कोस ए यानी कि कोस एक्स, साइन बी बी यानी कि अल्फा ही कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी से मतलब है यहां ए का काम ये आर है, आर की वैल्यू रख लेते हैं भाई हमने निकाल के रख रखी है टू है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन यहां हम बात करें तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस अल्फा का, देखो अगर आप इसको खोल लेंगे ए का काम एक्स कर रहा है और बी का अल्फा कर रहा है तो यही वापिस आएगा, क्लियर भाई। इसको ऊपर लेके जाए तो ये क्या बन जाएगा कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप या तो लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स के रूप में लिख दें, ठीक है प्लस सी, या फिर टेन के रूप में लिख दें, अगर आप टेन में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का मतलब एक्स प्लस अल्फा बाई टू, क्लियर भाई प्लस सी ये हो जाएगा। अब हमने अल्फा की वैल्यू और रख देते हैं, अल्फा क्या निकाला है आपने पाई बाई थ्री, देखो ये जो टू है ये अगर हम बात कर लें तो ये टू इसके साथ भी है एक्स के साथ भी है और ये अल्फा के साथ भी है ना भाई प्लस सी, अब अल्फा की वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा आपका वन बाई टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस, यहाँ पे अल्फा पाई बाई थ्री रखेंगे तो पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स बन जाएगा ना, ये टू भी है यहाँ तो पाई बाई सिक्स बन जाएगा, अल्फा की वैल्यू रख दी हमने टू यहाँ था ही प्लस सी, यही क्या हो गया इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे, ये था आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इंटीग्रेशन करना है हमने, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स है डी एक्स, तो हम क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे इसमें और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, देखें किसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर है, यहां पे देखें तो ये जो पावर में दिख रहा है अपने को एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यही आने वाला है, इसको पुट कर लेंगे हम, पुट करें एक्स
प्लस वन बाई एक्स को टी पुट कर लें भाई। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, वन, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स वो डी एक्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कैसे कर दिया भाई, वन बाई एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की माइनस वन, अब माइनस वन आगे एक्स की, यहाँ एक कम कर देंगे माइनस दो, तो ये इसको नीचे ले आए तो एक्स की प्लस दो हो गया, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यही लिखा है मैंने इसका डिफरेंशिएशन, क्लियर। अब आगे देखें तो अब यहां पे आ जाए इंटीग्रेशन पे, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है और डी एक्स, इसको तो हम लिख लेंगे क्या डी टी, और यहां ई की पावर, ये क्या मानना है हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी रहेगा प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू रख देंगे, ई की पावर टी क्या माना है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स पूरे के अपॉन में है एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहां पे देखें तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करें, अब जो ऊपर दिख रहा है अपने को लॉग के रूप में, इसको पूरे को ही पुट कर लेते हैं भाई, फिर क्या होने वाला है, ये जो दिख रहा है अपने को डी एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वन ये आ जाएगा। देखें कैसे हम पुट करें, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स को टी पुट करें, अब डिफ्रेंशिएट करें तो पहले लॉग का करेंगे, लॉग के लिए एक्स की तरह काम कर रहा है, इसको लिखेंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन का करेंगे तो एक्स का वन आएगा, वन का जीरो आएगा, वन प्लस जीरो वन ही रहेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस इसको वन बाई एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स वो डी एक्स हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया, क्लियर भाई। अब ये तो ऐसा नहीं दिखा तो और आगे करें, इसको एलसीएम ले लें, अब एलसीएम लेंगे तो एक्स एक्स प्लस वन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस, ये एक्स है तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस वन आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि माइनस का साइन है ना यहाँ, तो अंदर के साइन चेंज होने हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलें तो एक्स माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस का वन, माइनस का वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ देखें तो एक्स एक्स कट गया। अब अपने को ये माइनस का वन नहीं चाहिए, हमें तो डी एक्स अपॉन में ये दिख रहा है, देखो ये रहा डी एक्स अपॉन ये है ना, इसको हमने क्या लिख देना है, ये माइनस का वन है, यानी कि आप बोल सकते हैं माइनस का डी टी बच रहा है इधर, तो इस माइनस को उधर ले जाएं तो माइनस डी टी हो गया और इधर रह गया डी एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वन, कुछ नहीं किया, केवल हमने ये जो माइनस ये इधर बचा था माइनस का एक्स डी एक्स, उस माइनस को हटा के हमने और इधर भेज दिया है, क्लियर भाई। अब यहाँ पे वापस आ जाएं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इसको, देखें अगर यहाँ वापस आए, इसके बाद करना है आपने आई इज इक्वल टू, अब ये सारा क्या माना था आपने टी माना था, तो इसको तो टी लिख ले आप, और डी एक्स अपॉन ये जो दिख रहा है उसको माइनस डी टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस डी टी, तो इस माइनस को हम क्या कर दें बाहर लिख देते हैं, इसको तो भाई हमने टी लिख लिया और डी एक्स अपॉन में इसको क्या लिख देंगे माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस ऑफ डी टी, ठीक है। अब टी का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यहाँ पे क्या करना है अब आपने वन बाई टू साइड में लगा ले और टी की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू, टी क्या रखा था ये, यानी कि ब्रैकेट लगा लें लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स और इसकी क्या है भाई होल स्क्वायर, इसकी क्या है होल स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर हो रहा है प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए भाई, अब इसका इंटीग्रेट करना है हमने, डी एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इंटू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा सब्स्टिट्यूट करें आप कि अंडर रूट का सिस्टम खत्म हो जाए, तो हम या तो एक्स को पुट करेंगे एक्स को या तो साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई मान लेते हैं हम एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा किसको पुट कर रहे हैं हम, एक्स को, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिखें भाई, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करें इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या बनने वाला है वन और यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा का, पहले स्क्वायर का होगा तो टू साइन थीटा लिखेंगे,
ठीक है, फिर साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा लिखेंगे, फिर थीटा का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। क्लियर? ये जो डी एक्स है इसको मैं इधर की बजाय यहां लिख लेता हूं, यहां। क्लियर भाई? अब आपने क्या करना है, जो ये यहां है एक्स के रूप में, इन सबको थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहां क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह लिखना है तो टू साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया भाई, डी थीटा डी एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया हमने इसको, अपोन टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर क्या है, वन माइनस एक्स है, और एक्स को क्या पुट कर रखा है आपने, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पे क्या है, एक्स को यहां भी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई? देखिए जब स्क्वायर किया है तभी तो स्क्वायर से रूट हटने वाला है ना, फायदा होगा। खाली साइन थीटा पुट करते तो कोई फायदा नहीं बनता। अब यहां पे देखें, टू से टू कट रहा है भाई, ये टू तो फ्री है, काट सकते हैं इस टू से, ये टू काट दें। यहां क्या बच गया, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा अपोन, यहां बात करें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और ये अंडर रूट ऑफ, देखिए ये अंडर रूट इस पे भी है और ये अंडर रूट इस पे भी है, दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं ना आप, तो ये इस पे भी लगा देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा पे भी, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। क्लियर? स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया। क्या बचा भाई, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा के अपोन में कोस थीटा बच गया और यहां साइन थीटा बच गया। अब साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, कोस थीटा से कोस थीटा खत्म। क्लियर? यहां अब इससे आगे देखें, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा आएगा, क्या आएगा, थीटा प्लस सी। क्लियर भाई? अब थीटा की वैल्यू आपने रख देनी है वापिस, थीटा यहां से निकलेगा, देखो यहां से अगर हम बात करें तो थीटा कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स है यहां पे अपना एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मान रखा है ना हमने, साइन स्क्वायर थीटा यही पुट किया था आपने, तो हमें पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर साइन ऑफ थीटा। अब मुझे तो खाली थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन इनवर्स बोथ साइड ले, तो इधर साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर साइन इनवर्स लेंगे, इधर तो यह लग गया और इधर लेंगे तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई अपनी ये, ठीक है, तो थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे भाई। अब देखें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या दिया है, इंटीग्रेट करना है हमने अंडर रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स डी एक्स को। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो रूट एक्स दिख रहा है अगर हम इसको कोस थीटा पुट कर लें तो अपना काम बन जाएगा भाई, आइडेंटिटी बन जाएगी वन माइनस कोस थीटा की और वन प्लस कोस थीटा की। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे इसमें पुट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है भाई। रूट एक्स को आप पुट कर लें कोस थीटा, ठीक है, आप इसको कोस टू थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थीटा पुट करेंगे तो थीटा बाई टू बनेगा, यहाँ पे वन माइनस कोस थीटा, और अगर टू थीटा करेंगे तो थीटा बाई टू नहीं आएगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने ये पुट कर लिया है रूट एक्स को कोस थीटा, तो इससे करवा देते हैं, देखें अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वन बाई टू रूट एक्स आएगा भाई, इज इक्वल टू कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, वो डी एक्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्लियर? अब अपने को यहां अगर हम बात करें तो रूट एक्स को तो रख लेंगे लेकिन डीएक्स को रखना है खाली, तो ये जो टू रूट एक्स है इसको हम थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लें, ये टू रूट एक्स इधर ले आए, ले आए इधर, माइनस यहां चल रहा है इनटू में माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा यहां चल रहा है। अब अपने को क्या करना है, रूट एक्स की वैल्यू रख देनी है थीटा के रूप में, ऐसा नहीं रहेगा कि ये वैल्यू कोई एक्स में और कोई थीटा में, सारी थीटा में बनानी है अब आपने। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे लिख देता हूं माइनस ऑफ टू और रूट एक्स की जगह लिख देता हूं कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर भाई? अब यहां पे आ जाए आप, आई इज इक्वल टू अपना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा रख दिया हमने अपॉन वन प्लस कोस थीटा रख दिया, और यहां बात करें डीएक्स की तो डीएक्स की जगह क्या रखना है, ये इंटू में माइनस टू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर भाई? यहां आप आइडेंटिटी लगा दें
तो क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वेयर और एंगल का हाफ थीटा है तो थीटा बाई टू, यहां भी टू कोस स्क्वेयर और थीटा बाई टू, यहां क्या चल रहा है माइनस टू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, यहां क्या होगा टू से टू कट जाएगा, क्लियर भाई। अब यहां अगर हम बात करें तो ये क्या बन रहा है अपना अंडर रूट लग रहा है ना इस पे, तो स्क्वेयर से रूट हट जाएगा यानी कि यहां साइन थीटा बाई टू रह जाएगा और यहां कोस थीटा बाई टू रह जाएगा, ठीक है। स्क्वेयर ये दोनों स्क्वेयर हट गए हैं इस रूट की वजह से इनटू। अब यहां पे एक बात देखें, अगर हमें यहां थीटा बाई टू आ रहा है और यहां खाली थीटा में है, तो अगर अपने को ये कोस थीटा बाई टू कट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन थीटा दिख रहा है इसको साइन टू थीटा की तरह तोड़ लेंगे हम, थीटा है तो थीटा बाई टू आएगा ना इसका, इसमें माइनस टू कोस थीटा इसको तो सेम रख लें, और इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू, ठीक है भाई। अगर साइन टू थीटा होता तो टू साइन थीटा कोस थीटा लिखते, एंगल का हाफ करते, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई टू और थीटा बाई टू, इससे क्या फायदा हुआ, कोस थीटा बाई टू से कोस थीटा बाई टू कैंसिल हो गया है ना, ऐसे नहीं कटता, ये थीटा था ये थीटा बाई टू, एंगल सेम होना चाहिए, क्लियर भाई। अब क्या होगा देखें, आगे करते हैं इसको डी थीटा, अब यहां कर देता हूं अभी मैं, यहां से देखें तो आई इज इक्वल टू, यहां क्या चल रहा है अपना साइन थीटा बाई टू और यहां भी है साइन थीटा बाई टू, दो बार हो गया ना ये मल्टीप्लाई में है, और ये माइनस दो दो को तो माइनस फोर हो गया, इसको तो मैं बाहर निकाल देता हूं, और यहां क्या बना साइन थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू, साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू बन गया भाई, क्लियर। अब यहां पे देखें तो क्या बच गया, कोस थीटा बच गया, कोस थीटा डी थीटा, क्लियर। अब इसको मैं वापिस लिख देता हूं, इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है इंटीग्रेशन ऐसे में होता है, साइन स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन हमने बताया है आपको, लिखना पड़ता है वन माइनस कोस थीटा करके बाई टू, है ना। अब यहां पे थीटा बाई टू है तो वन माइनस कोस थीटा बाई टू लिखना पड़ेगा आपको इसको साइन स्क्वेयर थीटा को, है ना, इंटू में कोस थीटा चल रहा है भाई, इंटू में कोस थीटा चल रहा है, ये जो टू है इसको आप बाहर ले लें तो माइनस चार अपॉन दो, और अंदर क्या बच गया वन माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, दो से ये माइनस दो आ जाएगा यहाँ माइनस दो, और ये जो दिख रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, क्या कर लें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कोस थीटा और यहाँ कोस थीटा माइनस और कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर भाई। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ेगा, क्या लिख दें कोस स्क्वायर थीटा को, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसको लिखना पड़ेगा वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू, भाई टू थीटा हुआ होगा तभी तो यहां थीटा आया होगा, क्लियर। और डी थीटा यहां देखें तो ये टू इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, इसको मैं लिख देता हूं माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो माइनस टू है ये ओवरऑल बाहर चल रहा है भाई इस सारे के, कोस थीटा और ये माइनस वन बाई टू भाई ये, और प्लस माइनस माइनस कोस टू थीटा बाई टू, मैंने अलग अलग लिख दिया है इसको डी थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस टू, ब्रैकेट लगा ले अब आप क्योंकि माइनस टू ओवरऑल बाहर चल रहा है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कोस थीटा का प्लस का साइन थीटा आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस का साइन थीटा आएगा, और माइनस वन बाई टू डी थीटा का, तो माइनस वन बाई टू डी थीटा का आ जाएगा थीटा, माइनस ये वन बाई टू बाहर ले लेता हूं, और कोस टू थीटा का क्या जाएगा साइन टू थीटा, और ये जो टू थीटा दिख रहा है इसका थीटा का कोएफिशिएंट टू है, उसको आपने डिवाइड करना नहीं भूलना है, तो आप क्या लिखेंगे इसका, यहां पे क्या आएगा टू और आ जाएगा प्लस सी। अब हमने ये जो आ गई है टर्म, इनको आपने क्या करना है एक्स के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है एक्स के रूप में, तो हम क्या कर देंगे भाई, देखो आपने माइनस टू साइन थीटा को लिखना है, आपने किसको लिखना है साइन थीटा को, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे आप, कोस थीटा की वैल्यू है अपने पास तो साइन थीटा की नहीं है, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब तो कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे ना हम ये रूट एक्स, ठीक है, माइनस वन बाई टू थीटा, और थीटा यहां से निकल जाएगा
कितना कोश इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो कोश इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो थीटा ही रख लेता हूं फिलहाल। तो आगे देखें, ये माइनस का 1/4 और यहां साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू रखनी है हमने, लेकिन है तो वैल्यू कोश थीटा की, तो इसको साइन 2 थीटा को तोड़ के लिख ले आप इंटू 2 साइन थीटा और यहां कोश थीटा, ठीक है भाई, बंद कर दे ब्रेकिट को, प्लस सी, क्लियर है। हमने क्या कर लिया, देखो मैं इसको, चलो मैं मिटा देता हूं, इसके बाद हम करेंगे, आप यहां तक नोट कर लें पहले भाई, आप यहां तक नोट कर लेंगे, इससे आगे फिर मैं करवाता हूं आपको। अब देखिए भाई, यहां तक आपने कर लिया था, इससे आगे हम देखते हैं, इसको जो थीटा लिखा है हमने, अब अपना टारगेट है इसको एक्स के रूप में बढ़ाना, तो क्या करेंगे यहां पे देखें, तो यहां से कर देता हूं मैं इसको, इसके बाद कर लेंगे आप माइनस टू, आई इज इक्वल टू माइनस टू, ये साइन थीटा लिखा है यहाँ, और वैल्यू किसकी है मेरे पास, कोस थीटा की, तो इसको कोस थीटा की वैल्यू देनी है, तो इस साइन थीटा को 1 कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, माइनस 1/2 थीटा, थीटा को थीटा रहने दें, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे हम थीटा की, कैसे, कोस इनवर्स बोथ साइड लेंगे, तो कोस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा भाई, इधर कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, थीटा, थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी एक्स के रूप में, और आगे क्या है, माइनस 1/4 और साइन 2 थीटा है, लेकिन वैल्यू तो अपने पास कोस थीटा की है, तो साइन 2 थीटा को फर्दर तोड़ना पड़ेगा, फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस सी चल रहा है, यहां पे 2 × 4, यहां अगर हम बात करें तो माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, ये जो साइन थीटा दिख रहा है इसको हम कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 कोस स्क्वायर थीटा लिख दें भाई, और ये क्या है, कोस थीटा को कोस थीटा रहने दें, प्लस सी। अब आपने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है थीटा की, जहां भी है माइनस 2 1 कोस स्क्वायर थीटा है ना, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो खाली एक्स आ जाएगा, माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू देंगे तो यहां से कोस इनवर्स एक्स है, ठीक है, माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 ये को स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर होगा तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक्स ही बचेगा, कोस थीटा की वैल्यू देनी है तो रूट एक्स प्लस सी। इस रूट को आप एक अंडर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं या यहां भी छोड़ सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है। देखें ये अगर आप ऐसे लिखना चाहें इसको, ये जो माइनस 2 दिख रहा है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या कर देंगे, माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ 1 एक्स आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 से 2 कट गया 1, यानी कोस इनवर्स रूट एक्स आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 एक्स और रूट एक्स, रूट एक्स को भले ही आप इसके भी नीचे लिख सकते हैं एक अंडर रूट के नीचे, और अलग अलग रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहां तक नोट करने के बाद आपने यहां से नोट कर लेना है भाई, यहां से, ठीक है, ये था आपका आंसर और ये आपकी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारी मेहनत को देख के, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।